तो नज़र आ रहे असी रेत जी है ना हनेरी उड़ के सड़क पर आ गई है। ये हम सड़क से मतलब सड़क कवर हो गई, रेत के टिब्बे बाद कवर बन जाते हैं। इतने कभी कभी ड्रॉबैक होंगे कि इतने जो मतलब मोटरसाइकिल क्रॉस करना या आम गाड़ी वगैरह मुश्किल हो जाता, लेकिन लोकल लोग ने आदि इन्हों कोई मसला नहीं होता ना मोटरसाइकिल से ना इन्होंने गाड़ी ड्राइवर में, तो असं भी जरा क्रॉस करते हैं कि करते हैं। सामने फिर आ रहे हैं जी सामने लोगों ने सफेदे के जंगल लाए ने इत्थे नज़र आ रहे हैं, सफेदे के जंगल है लोगों ने अपनी जमीन के बच्चे लाया सफेदा। इत्थे इत्थे पता लगा कि कोई एक फैक्ट्री भी लगी है कागज़ वाली या गत्ते वाली, जिहड़ा है खग्गल जिहड़ा साडे रैट साइड उहनां नूं खा रहे हैं खग्गल और सफेदा उसके गत्ता बना रहे। बस मेहरबानी चाह पानी अगे पीता है। ए निक्का भी इतना टोर के आवे सी बाल थक दे नहीं गल जनाब। बकरियां ने बेरी का दरखत है सब तो बड़ी खुराक। क्या हाल है साई? खैर है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह दा करम। क्या करें वदे वे माल नाल? माल नाल बकरियां अपनियां सारियां जी आप। कौन है व्या? त्रेड़। त्रेड़ नाम क्या है? खान जमान। खान जमान। ए दसो कितनियां बकरियां हैं ताड़ियां? नौ। ते क्या खांदियां? पट्ठा तो इतना है कोई ना, मेरे को तो नजर आया क्या नहीं पट्ठा। मल लड़की खुआ दे वे बेरी को? अच्छा बेरी खा गई दी। ते ए दसो भाई कितने एक दी बकरी हो सी एक अंदाजन तुहाडे? वाह वाह। ते भेड़? भेड़ 15,000 दी, 16,000 दी, 18,000 दी। ते कितने देर च रहंदे वे इना को? 10 तक। 10 बजे तक जी। उन दे बाद गर्मी थी वेंदी वाला पर ते इंदे थ पानी छानी कर ते पत्रे लग वेंदे वाल क्या करने दे? अपने घर नलकां ते घर नाल है थे जी नाल है। अच्छा अच्छा एक खगल लगा है जी हमने। अच्छा ते कीवें थाल दी जिंदगी वा? ठीक है के बेहतरीन जिंदगी। क्या इत थाल दी जिंदगी दी क्या सब तो बड़ा सोना काम केड़ा है? सब तो बेहतर काम है कि ज्यादातर ठंड रहंदी है गर्मियां दे विच। गर्मियां दे ठंड रहंदी रात को या दिन को? रात में। दिन गर्म रहंदा रात ठंडी रहंदी। अच्छा तो इतना मतलब जड़ा है छोले तो अलावा क्या क्या थी सकदा? इत हर शय थींदी है। छोले थींदे ने कणक थींदी है जौ थींदे ने चणे थी हर शय थींदी है। जेरी सीध का अल्लाह दी बलूआ थी। अच्छा खुश है वैसा जिंदगी तो? बड़ी बेहतरीन जिंदगी है। अच्छा चलो मेहरबानी लाला तब तकलीफ दी थी। दरख्त ने जेड़े इत पाए जाते हैं बूटे सरकंडे सरू कीकर और ककड़ा सामने नज़र आ रहा है कीकर उन्होंने पीछे बेरी कीकर साल के मशहूर जड़े ने पौधे इतने पाए जाते वैसे सब तो ज़्यादा इतने ककड़ा लाता है बेरियां भी होंगे। सामने दादे वाले का स्कूल है गलबन हाई स्कूल होना चाहिए। अकड़े लगते हैं जना बेशुमार जन अक भी कहते हैं बेरी का दरखत है जंगली किकर जिन कह लो। जनाब गवर्नमेंट
एलीमेंट्री स्कूल जनाब दादू वाला साढ़े सामने एक जड़ा बच्चा स्कूल जा रहा है। दो डर के भज गया पता नहीं किस तू चाचा क्या हाल है ठीक खरी है ते निक्का डर गया भरा क्यों डर गया पुत्र है गल सुन डर गया थल का माल हो डर गया क्या हाल है बाबा जी ठीक हो जी मैं जंग तू हाँ सिकरा की हाल है जी ठीक हो अच्छा इतने किदाई ना रेत के टिब्बे आ जाते हैं सड़क के उत्ते पिछले रोड से तो बहुत ज़्यादा सन उड़ाणा तू शाह हुसैन रोड से कितने कितने लोगों ने ट्यूबवैल भी लाए ने लेकिन इस रोड से बड़े गणा छोटी जी आबादी घर का स्ट्रक्चर देख सकते हो बच्चे फिर रहे छोटे घर जिथे बेसिक हेल्थ यूनिट है दादू वाला मरकज का तुम देख सकते हो हस्पताल की हालत इतने लोग बेचारे की करते इलाज तो की दवाइया आनी तो किस आना छोटा जहा हस्पताल है इस स्थल के सुबह का टाइम है अस्पताल कोई अमला ही नहीं आया होना करेंगे वो दिन ट्रैक्टर चने की जड़ी है तैयारी हो रही है देखो जनाब चने की काश की तैयारी हो रही है गुआरे की फसल गड्डी है जी होना अस्पताल वे हाल है ठीक है ट्रैक्टर से लोग तैयारी कर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है लाला ठीक सफाईदे का दरख्त इतने बड़ा लोगों ने हम शुरू कर दिता है अगे इतने पानी को नहीं तो मजीद सफेदा ला ला के और सुखाई जा सकते लेकिन इनकम बहरल है सफेदे हूँ आ गया जनाब टिब्बा जनाब एक खूबसूरत उठते नाल बच्चा सोना क्या हाल है तेरे ओठ का फोटो छेगी ना
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਛੇਕੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਗਾਹ ਵੱਜਣ ਗਾਹ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਡੂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਸਿਆਲੇ ਦੇ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਲ ਦੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਸਹਿਰਾ ਹੈ ਥਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਦਰਖਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਖੱਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਖੱਗਲ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਖਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਰੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਨਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ